शोनाली देखो उसको हमारी मदद चाहिए. सिटीजन नीड्स आवर हेल्प रजा. उनकी मदद तो करनी पड़ेगी. लेट्स गो. लेट्स डू इट. ये तो सिर्फ लाइट का वेट कर रही थी क्रॉस करने के लिए. यार मैं ना एक्साइटेड हो रहा था. सुपरमैन बनने का मौका मिल रहा था. चलो उठते हैं. गाइस हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360. आप देख सकते हैं कि रजा और मैं कॉमिक बुक्स हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं. और वैसे एक बात है रजा, बचपन से इतने कॉमिक बुक्स पढ़े हैं, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, और काफी इन्फ्लुएंस हुआ है उससे. और इसीलिए आज का शो भी कॉमिक बुक्स के बारे में है. आज का पूरा शो कॉमिक बुक्स के बारे में है. पूरा शो कॉमिक बुक्स के बारे में. फिर तो बड़ा मजा आएगा. मैं तो बचपन से कॉमिक बुक हीरोज के कपड़े पहन के फिर हूं. वैसे ये तो छोटी मोटी बात है रजा, बड़े लोग भी इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कॉमिक बुक से कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि कॉमिक बुक हीरोज की तरह कपड़े पहने और उनकी तरह एक्ट करें. ये बात तो सही शोनाली, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यहाँ US में कॉमिक बुक सेल्स $50 करोड़ है. $50 करोड़. Not only US में एक phenomenon है, पूरी दुनिया में एक phenomenon है. चाइना में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें लोग कपड़े पहनते हैं कॉमिक बुक हीरोज के और पूरे सड़कों में फिरते हैं, बीजिंग, शंघाई, हर जगह. तो सुपर हीरोज भी मेड इन चाइना रजा. वेरी फनी शोनाली. स्पीकिंग ऑफ फनी रजा, तुमने सुना हाल ही में एक आदमी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था और जब पुलिस ने उसे रोका और वो गाड़ी से निकला तो पूरा बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था उसने. तुम तो नहीं थे शोनाली, तुम देख नहीं सकती. आई एम सुपरमैन. Not Batman. इतने सेंटी क्यों हो रहे हो रजा? Shonali, I take my superheroes very seriously. लेकिन superheroes की बात कर रहे हैं और तुम Batman की बात करी थी. हाल ही में एक Batman गया एक पुलिस स्टेशन, लेकिन ये एक superhero वाकई में शायद हो क्योंकि ये एक चोर पकड़ के लाया था. रजा मैंने तो सुना है कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक ने अपने जिंदगी के बारे में भी कॉमिक बुक बनाया है. अमीर लोगों की हम बात करें तो मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि टिन टिन कॉमिक का एक हैंड ड्रॉन कवर एक कलेक्टर ने 1.3 मिलियन यूरो के लिए खरीदा है. People take their comics very seriously. भाई छोटी मोटी बात नहीं है, सदर ओबामा भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है और वो कॉमिक बुक के वेब में आ गए. लेकिन रजा तुम्हें पता है कौन कॉमिक बुक्स को बहुत सीरियसली लेते हैं? कौन? कॉमिक बुक एंथुजियास्ट. इतने सीरियसली कि अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में कॉमिक कॉन होता है जहाँ पर कॉमिक बुक एंथुजियास्ट कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं. कभी गए हो? नहीं, आई कांट से दैट आई हैव. चलो चलते हैं. चलो. Let's go to Awesome Con. चल यार. Guys, welcome to AwesomeCon DC. हम इस वक्त वॉशिंगटन DC के कन्वेंशन सेंटर आए हुए हैं और जैसे आप देख सकते हैं ये हमने तो टी शर्ट पहनी हुई है. यहाँ तो लोग पूरे पूरे कॉस्ट्यूम में आए हुए कॉमिक बुक सेलिब्रेट करने के लिए. लोग बहुत एक्साइटेड है रजा क्योंकि ये DC का पहला कॉमिक कॉन है. ये छोटी मोटी बात नहीं है. सबसे पहला कॉमिक कॉन सैन डिएगो में हुआ था इन 1970s और उसके सिर्फ 100 अटेंडीज थे, लेकिन नाउ दैट नंबर है स्वेल टू ओवर 1 लाख. और अभी DC में ही नहीं पूरे अमेरिका में ये कॉमिक कॉन होता है एंड पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन चुका है ये रजा. Exactly, शोनाली. और व्यूअर्स, हम इसलिए आज आपको यहाँ लाए कॉमिक कॉन ये पता करने के लिए कि ये क्रेज क्यों है, लोग इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं कॉमिक बुक्स के बारे में और कॉमिक बुक के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तरह ड्रेसअप ही होते हैं. शोनाली, मे बी इनसे ही पूछना चाहिए कि व्हाई आर दे सो क्रेजी अबाउट दिस. चलो. गाइस, हम इस वक्त कुछ लोगों से पूछने वाले कि आखिर क्यों इतने इन्वॉल्व हैं कैरेक्टर्स में और कॉमिक बुक्स में. लेट्स आस्क. हाउ आर यू डूइंग? गुड, यू? गुड. व्हाट्स योर नेम? आई एम स्टेफनी बेल. स्टेफनी, हु आर यू टुडे? आई एम वंडर वुमन.
You do look wonderful. Now, Stephanie, tell me, we are broadcasting. Stephanie, हम दुनिया भर में 24 ज़बानों में broadcast करते हैं. जरा हमें समझाइए कि Comic Con में क्या हो रहा है. काफी अजीब और गरीब चीजें यहाँ देख रही हैं. आखिर लोग comics की दुनिया में इतने मस्त कैसे हो जाते हैं? Fantasy that people are so into. ये रोजमर्रा की जिंदगी को भुलाने का एक तरीका है. और कौन सुपर हीरो नहीं बनना चाहता? एक अच्छा इंसान और कभी कभार बुरा भी. Jason, tell me this. I'm asking. Jason, मैं ये सवाल काफी लोगों से पूछ रहा हूँ. आप कॉमिक बुक से इतना मुतासिर क्यों हैं? जब मैं कॉमिक बुक्स पढ़ता हूँ तो सब ठीक लगने लगता है. जब आप बच्चे थे तो कॉमिक बुक से आप मुतासिर होते थे, अब क्यों? I haven't read. मैंने काफी अरसे से कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे मजा आता है कॉमिक बुक्स के किरदारों की तरह तैयार होने और अपने बचपन के ख्वाबों को जीने में. You know, everything I could as a child. Comic books are a classic escapism. कॉमिक बुक्स रोजमर्रा की बोरियत और एक जैसी जिंदगी से दूर भागने का एक जरिया है. कॉमिक कॉन खुद को बयान करने का एक मौका देता है. इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है. आप कब से कॉमिक बुक्स की दुनिया में खोई हुई हैं? लगभग पूरी जिंदगी. कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉमिक बुक्स का नशा है, और हम यहाँ हैं जिस पर हमें फख्र है. गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लोग अपने कॉस्ट्यूम्स में काफी इन्वॉल्व्ड हो गए हैं. और तुम्हें डर भी लग रहा है राजा? डोंट वरी, इट्स जस्ट अ हॉबी. इन लोगों के लिए तो सिर्फ हॉबी है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ हॉबी नहीं है. उन्होंने अपना पूरा लाइफ और करियर कॉमिक बुक्स पे डेडिकेट किया है. और तुम ऐसे ही कुछ लोगों से मिले. गाइस, मैं वाकई ऐसे ही कुछ लोगों से मिला. यहाँ वाशिंगटन डीसी में मैं एक कॉमिक बुक स्टोर में गया और उनसे पता किया कि क्यों इतने वो कॉमिक बुक्स में इन्वॉल्व रहते हैं. ये भी पता किया कि एक कॉमिक बुक स्टोर आजकल चलाना कितना मुश्किल और किन चैलेंजेस का सामना है. Let's go see a comic book store here in Washington DC. Go. Go. Guys, हम आज कॉमिक बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं और मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूँ यू स्ट्रीट, वाशिंगटन डीसी का एक इलाका है, जहां मुझे मिली है एक कॉमिक बुक स्टोर. गाइस, इस कॉमिक बुक स्टोर को जरा एक्सप्लोर करते हैं और अंदर पूछते हैं कि कॉमिक्स का इतना क्यों ऑब्सेशन रहता है, कॉमिक बुक स्टोर्स इतनी पॉपुलर क्यों होती हैं और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है. Let's take a look. गाइज, मैं इस वक्त बिग प्लैनेट कॉमिक्स के अंदर हूँ और मैं बात करने वाला हूँ जेरेड स्मिथ से, जो यहाँ के मालिक है. जेरेड, हाउ यू डूइंग? ग्रेट, हाउ आर यू? द कॉमिक बुक, कॉमिक बुक की दुकान अमेरिका में एक इदारा समझा जाता है. हमें बताएं कि कॉमिक बुक फैंस के लिए कॉमिक बुक्स की दुकानों का क्या रोल होता है. अमेरिका के अक्सर हिस्सों में कॉमिक बुक स्टोर्स 1970 के दौरान शुरू हुए. इससे पहले आपको कॉमिक बुक्स न्यूज स्टैंड से खरीदनी पड़ती थी. ये एक ऐसी जगह है जहां लोगों को हर तरह की कॉमिक बुक्स मिल सकती हैं और यहां आप नई चीजें ट्राई कर सकते हैं. Now tell us about a little bit more about your आपका कॉमिक बुक से इंट्रोडक्शन कब हुआ? कॉमिक बुक्स ने आपको कैसे अट्रैक्ट किया और अब भी कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? And what is it that still attracts you today? I think it's just that you get to see so much great art. मेरे ख्याल में हर कॉमिक बुक में आपको ग्रेट आर्ट मिलता है और इसमें आपके लिए बहुत कलरफुल चीजें होती हैं और इनमें बहुत शानदार कैरेक्टर्स होते हैं. मैं इन्हें इसीलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इनमें आपको बेहतरीन कहानियाँ मिलती हैं. इनमें ज्यादातर कहानियाँ छोटी होती हैं और आप कम वक्त में इनको एंजॉय कर लेते हैं. कॉमिक बुक्स की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इस सिलसिले की बहुत सी बुक्स हर महीने शाया होती हैं. If you love reading about Spider-Man, you can come in every month and get a new Spider-Man adventure. Online, आजकल अक्सर कॉमिक बुक्स ऑनलाइन मिल रही हैं. ये दुकानों के लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? I think in a lot of ways it's hurt it. मेरा ख्याल है कि ऑनलाइन कॉमिक बुक्स ने किताबी कॉमिक बुक्स को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अब कॉमिक बुक्स बहुत जल्दी जल्दी आती हैं. लोग हमेशा अपनी आसानी देखते हैं और जब सुबह सोकर उठते हैं तो कॉमिक बुक उनके आईपैड या किसी और चीज पर डाउनलोड हो चुकी होती है. गाइस, हमने कहा कि हम एक कॉमिक बुक स्टोर आए हैं तो क्यों ना एक कॉमिक बुक कस्टमर से भी बात की जाए. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm very good. अपना नाम बताइएगा और ये कि आप कॉमिक बुक्स कब से पढ़ रही हैं?
My name is Margaret. میرا نام مارگریٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اس وقت سے کامک بکس پڑھ رہی ہوں جب میں 8 یا 10 سال کی تھی اور آپ کو تو پتا ہے کہ بچے اچھی جگہوں مثلاً لائبریری وغیرہ میں جانا اور نئی آرٹ اسٹوریز کے لیے وہاں سارا دن گزارنا پسند کرتے ہیں. New stories. When we were speaking earlier, you mentioned that, you know, the you're glad that there are still comic book stores around, and this is humne dekha hai ki comic book ki dukane ab kam nazar aati hain. Aapka iske bare mein kya khayal hai? You know, how do you feel about that? I'm saddened in a way. I mean, the digital culture is really sort of eating away at the mujhe iska dukh hai ki digital culture book stores aur comic book stores ko khatam kar raha hai aur unke liye survive karna mushkil hota ja raha hai. Mujhe ye to acha lagta hai ki online hone se kafi aasani ho gayi hai, lekin mera ye bhi khayal hai ki kitab ko chhune ka apna hi maza hai. Extra to be gained from touching the book and from going to places like this. We want to see your ab hum aapki favorite comic dekhna chahte hain, main dikha sakte hain. مجھے بہت سی کامک بکس پسند ہیں. مثال کے طور پر یہ بک, یہ جاپان کے بارے میں ہے اور اس میں بہت سی ریسرچ اور ہسٹری ہے. یہ 47 جانبازوں کی سچی کہانی. ان کے سردار نے اپنی عزت کی خاطر جان دے دی تھی اور انہوں نے ایک ایسے شخص سے اپنے سردار کا بدلہ لینے کی ٹھانی جو اس واقعے کا سبب بنا. جہاں تک میرا تعلق ہے تو اس کی سٹوری اور رائٹنگ سٹائل نے مجھے بہت متاثر کیا. کامک بک کی سب سے اہم چیز اس کا آرٹ ہے, جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیریکٹرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ اس کے چہرے کے ایموشنز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت کچھ ملتا ہے. یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے کپڑے اور جوتے پہنتے تھے اور اپنے بال کس طرح سنوارتے تھے. It's time for a break, لیکن don't go anywhere. Break کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے ایک اور سپر ہیرو سے, ایک مسلمان سپر ہیرو سے. Stay with us. Wow, Raza, those guys were so cool. چلتے پھرتے comic book encyclopedias. ہاں رضا, یہ تو ہے کہ انہوں نے فینٹیسی ورلڈ کریٹ کیا ہے, مگر کچھ کیسز میں سپر ہیروز کراس باؤنڈریز اور سچی میں انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو, رول ماڈلز بن جاتے ہیں. شنالی, ویری ٹرو. اور کراسنگ باؤنڈریز اور انسپائر کرنے کی بات ہم نے کی, ایک ایسا سپر ہیرو بھی بنا ہے جو آرٹسٹک ہے. آرٹسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کمیونیکیٹ کرنے میں اور ریلیشن شپ بنانے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ سپر ہیرو آرٹسٹک ہے اور اس نے اپنے آرٹزم کو ایک سپر پاور کے طور پر یوز کیا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. ایک کامک بک ویمنز ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اور دو بھائیوں نے ایسا کامک بک کیریکٹر کریٹ کیا ہے, ایک مسلمان کامک بک ہیرو. اس کا نام ہے براک. لیٹس فائنڈ آؤٹ مور اباؤٹ براک, دی مسلم کامک بک ہیرو. آئی تھنک پاکستانی ریڈر جو ہیں وہ کامک بکس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے. تو آئی تھنک پاکستان میں یہ کلچر ہے کامک بکس کا, لیکن ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. آئی تھنک ٹوڈے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مووی جانرا جو ہے, اب سپر ہیروز کی موویز آ رہی ہیں اور لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کامک بکس کا جو ٹرینڈ ہے اس کو اور آگمنٹ کیا ہے موویز نے. تو آئی تھنک اب آڈینس جو ہے پاکستانی وہ ریڈی ہے کہ ایک پاکستانی ایک کامک بک کا کلچر جو ہے وہ فلرش کرے پاکستان کے اندر. آئی تھنک دے ریڈی. تو آئی تھنک یہ پاکستانی سپر ہیرو کا کانسیپٹ بہت اچھی طرح لوگ جو ہے ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت ضرورت بن گئی آج کل کے زمانے میں. ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں وہ ہمارے اصلی ہیرو ہیں اور ان کو ہمیں ہر کسی کو اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں فکشنل دنیا کی. ویسٹرن انفلوئنس تو بہت آ چکا ہے, ویسٹرن انفلوئنس تو ہر جگہ نظر آتا ہے آپ کو, لیکن ہماری کلچر کے ساتھ, ہمارے ریلیجن, ہمارے اسلام کے ساتھ چلنے والا کوئی ایسا کریکٹر ہو جسے ہم واقعی میں اپنی ڈیلی لائف میں ریلیٹ کر سکیں. تو آئی تھنک دیٹس ریلی امپورٹنٹ. تو اس لیے ہمیں ایک چینج کی ضرورت ہے, ایک مسلم سپر ہیرو کی ضرورت ہے. ویسے شنالی, اگر براک کی کبھی مووی بنے تو ڈونٹ یو تھنک آئی وڈ میک اے گریٹ لیڈ رول؟ نائس ون رضا, اچھا جوک مارتے. جو کیا, تم نہیں سمجھتی کہ میں ایک سپر ہیرو بن سکتا ہوں؟ بن سکتے ہو رضا. دیسی اسپائڈر مین. دیسی اسپائڈر مین. دیسی اسپائڈر مین. اسپائڈر مین, اسپائڈر مین, تو نے چرایا میرے دل کا چین. اسپائڈر مین, اسپائڈر مین, تو نے چرایا میرے دل کا چین. او او
ये क्या था शोनाली? तुम्हारे लिए परफेक्ट रोल। वैसे एक चीज तो तुम भी मानोगे रजा, हॉलीवुड में जितने भी ज्यादातर ब्लॉकबस्टर मूवीज आजकल हो रहे हैं, टॉप ग्रोसिंग फिल्म्स, वो सुपर हीरो मूवीज हैं। दिस इज ट्रू शोनाली। गाइस, जैसे आपने भी देखा होगा, द एवेंजर्स, एक्समैन, द हल्क, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ये सब मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा है। मार्वल यूनिवर्स में सुपर हीरोज बहुत हैं और इन सुपर हीरोज के फादर माने जाते हैं अ गाय नेम स्टैनली। गाइस, स्टैनली मार्वल यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। वो हॉलीवुड में इतना बड़ा रोल अदा कर चुके हैं कि उनको हॉलीवुड की फेमस वॉक ऑफ फेम पे एक स्टार दिया गया है, एक ऐसा एजाज जो अमूमन सिर्फ एक्टर्स या डायरेक्टर्स को मिलता है। एंड शोनाली, दिस हैज मेड हिम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ हॉलीवुड। वैसे एक बात तो है, साइकोलॉजी में कुछ तो होगा कि हमें इतने सुपर हीरो मूवीज पसंद क्यों आते हैं, हर एज के लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ तो होगा। वेरी ट्रू शोनाली, हमारे ब्रेन में कुछ होगा जिसकी वजह से हम सुपर हीरो से इतने अट्रैक्ट होते हैं। लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट। वैसे स्टैनली रिलेटेड टू ब्रूस ली? नो, बट आई एम श्योर ही नोज कराटे। यू ऑब्वियसली नो। व्हाट डू यू मीन? आई एम ब्लैक बेल्ट। आर यू वोगिंग? The Avengers home, Batman या Spider-Man, हर सुपरहीरो अपने राइवल को हराकर मूवी थिएटर पर छा जाना चाहता है। The Avengers ने पिछले साल दुनिया भर के थिएटर्स में $1 अरब से ज्यादा कमाए। सुपरहीरोज पर बनने वाली फिल्में पिछले साल के समर में अमरीकी बॉक्स ऑफिस की एक तिहाई से ज्यादा आमदन का जरिया थी। फिल्म स्टूडेंट रायन थॉमसन को ये किरदार बचपन से ही बहुत पसंद थे। मेरा बचपन से ही इन कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के साथ एक इमोशनल रिश्ता था। ये शायद अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का एक तरीका था। गौतम चोपड़ा एक पब्लिशर हैं और अपनी कॉमिक बुक्स और डिजिटल कार्टून्स में एशियन हीरोज को भी शामिल करते हैं। इन्होंने अपने वालिद दीपक चोपड़ा के साथ मिलकर प्रॉफिट्स, गॉड्स और सुपर हीरोज के थीम को एक्सप्लोर किया है। They represent these primordial forces. ये कैरेक्टर्स बहुत बुनियादी ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे ये ताकत, तवाजुन या इंसाफ हासिल करने की सलाहियत हो। सुपर हीरोज चाहे मॉडर्न हो या पुराने, यही काम करते हैं। मॉडर्न सुपर हीरोज नए फैंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनमें से कई हर साल सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन के लिए इकट्ठे होते हैं। लॉस एंजलिस में सुपर हीरो कॉमिक्स की ये दुकान मॉडर्न हीरोज की सीरीज फरोख्त करती है, मगर इसके मालिक का कहना है कि लोग पुराने कॉमिक्स भी बहुत पसंद करते हैं, खुसूसन वो जिनमें बैटमैन जैसे पॉपुलर कैरेक्टर्स हों। हम इन कॉमिक्स की फर्स्ट एडिशन से लेके तमाम किताबें अपने पास रखते हैं। मुमकिन है कि कोई पुराने एडिशन उठा ले, बल्कि बहुत से टीनएजर्स ये लेने हमारे पास आते हैं। ये सब है तो बहुत अच्छा, मगर इसका एक मनफी पहलू भी है। रायन थॉमसन कहते हैं कि 1980s के बाद से अब तक बैटमैन में बुराई के थीम्स भी डाले गए हैं। पिछले साल जुलाई में बैटमैन की नुमाइश के दौरान रियासत कोलोराडो के एक सिनेमा में होने वाली फायरिंग ने इस बहस को जन्म दिया कि क्या फिल्मों में इस कदर हकीकत पसंदाना तशद्दुद दिखाना दुरुस्त है। मगर उस अफसोसनाक वाकये के बावजूद सुपर हीरोज पर मबनी फिल्मों की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई और कुछ ही दिनों में एक मरतबा फिर सुपरमैन और आयरन मैन सिनेमाज में आने वाले हैं। ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन डोंट गो एनीवेयर। ब्रेक के बाद शोनाली इन कॉमिक बुक एंथुसियास्ट से पूछेगी कि वो कॉमिक बुक के बारे में कितना जानते हैं। स्टे विद अस। वैसे शोनाली, लोग सुपर हीरोज को क्यों पसंद करते हैं ये तो पता चल गया है, लेकिन अब ये पता करना होगा कि सुपर हीरो रोमांस क्या चीज है। सुपर हीरो रोमांस दिखाता हूँ। वो इतने इन्वॉल्व्ड है अपने कैरेक्टर्स में कि वो एक दूसरे को डेट करना चाहते हैं। क्या बात। वैसे एक बात है, इतनी कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई है, इतना सब एक्टिंग कर रहे हैं, यू थिंक दे रियली नो अपने कैरेक्टर्स के बारे में या ऐसे? मतलब कि
कोस्टर्स नहीं पोजर्स। वाह 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 क्या पन मारा है भाई। वैसे शनाली अगर तुम्हें शक हो रहा है कि दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट दिस होल सुपर हीरो थिंग इज अबाउट, उनका सुपर हीरो के बारे में नॉलेज और कॉमिक्स के बारे में नॉलेज कम है, तो क्यों नहीं मुझे पूछ ले। Is it a bird? Is it a plane? No, it's a guy in a Superman T-shirt. Are you a big fan? क्या आप सुपरमैन के फैन हैं? Yeah, I'd say so. What Superman का मिडिल नेम? Ooh, I didn't know he had a middle name. He did. Joseph or Jerome, depends. Okay. Which किस प्लैनेट से है? Krypton. कौन से शहर की हिफाजत करता है? Metropolis. That's good. Which किस अखबार में काम करता है? Daily Planet. किससे प्यार करता है? Lois Lane. What was कौन सा सुपर पावर था जो पहले कॉमिक में नहीं था लेकिन बाद में डेवलप हुआ? Flight. That was good. That was pretty good. Spider-Man का मिडिल नेम? Andrew? Andrew? It's Benjamin. Yes, yes, see. Why didn't I know that one? Okay, you failed on that one. Okay, how Spider-Man को उसका नाम कैसे मिला? From a wrestler? That's the movie. Oh, the movie. Okay, let's see. What is उसके वालदेन का नाम? Ben and Mary? Yes! Oh my god! Hurrah! Cheers, crowd. One right. Okay. आपके बटलर का नाम? Alfred Pennyworth. Ding ding ding, that's good. आपके घर का नाम? Wayne Manor. Woo! Batman का असली नाम? Bruce Wayne. Robin का असली नाम? Dick Grayson. You know what? I lose. He knows his Batman. Thank you, Batman. Save me someday. No problem. Batman से तो हमने सवाल कर लिए, मगर अभी उनके आर्च नेमेसिस बेन हमारे साथ है. What's Mr. Wayne's butler's name? Alfred Pennyworth. Okay, that's good. What's his house called? Wayne Manor. Batman की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? His biggest weakness. उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो किसी की जान नहीं लेगा. This is greatest weakness. And also his greatest strength. I think you lose, my friend. Batman wins. Let's see. Oh my God! Save me! Batman versus Bane, round one. Some fans knew their superheroes and some not so much. और superhero बनने की बात हो रही है तो लोग यहाँ superhero जैसे fight करना सीख रहे हैं. Get some tips, Raza. Shonali, आज मैंने बहुत बात की है comic books और superheroes के बारे में और मुझे superhero की तरह fighting भी आ गई है. That is debatable, Raza. मगर तुम जितना मर्जी try कर लो, as Superman, एक चीज के बगैर तुम बन ही नहीं सकते superhero. क्या बात करी मैंने, सब moves हैं. Superman, yes, Spider-Man. I've never seen Superman do all that, but you need a cape. Oh, wow, kya baat hai. Late. I'm Iron Man, I don't need a cape. Aur mere paas bahut paisa bhi hai. Guys, show ka waqt khatam ho gaya hai. Shonali and I will become superheroes. The next you see us, hum log kisi ko bacha rahe honge. Yeah, main Raza ko peet rahi hungi.